वेल गाइस, जो लोग अपने रेडमी K20 प्रो में MIUI 12.5 की अपडेट का वेट कर रहे थे, तो उनको आज मैं बता दूं कि उनके डिवाइस में एक लेटेस्ट अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो अपडेट हमें देखने को मिला, ये कोई MIUI 12.5 की अपडेट नहीं है। हमें जो अपडेट देखने को मिला वो MIUI 12.0.5.0 की अपडेट मिला है। दोस्तों, MIUI 12.0 की ही अपडेट देखने को मिला है। अपडेट दोस्तों जो हमें देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, कि MIUI 12.5 की अपडेट हमें देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, जैसा कि MIUI 12.5 की अपडेट की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों MIUI 12.5 की स्टेबल अपडेट चाइना में ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इससे पहले जो हमें अपडेट देखने को मिलता था वो सिर्फ बीटा में अपडेट मिलता था, और वो बीटा वाली जो अपडेट है MIUI 12.5 की, वो भी दोस्तों सिर्फ चाइना में हमें देखने को मिलता था। पर स्टेबल में अपडेट मिल गया चाइना में, तो जल्दी हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा। इंडिया वाली जो अपडेट है दोस्तों MIUI 12.5 की, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि इंडिया में हमें कब तक MIUI 12.5 की स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। MIUI 12.5 की बीटा रिक्रूटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इंडिया में, और दोस्तों उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। अगर आप लोग मेरी वो वीडियोज को नहीं देखे तो जाके आप लोग जरूर से उस वीडियो को चेकआउट करना। मैं वीडियो के एंड में या फिर ऊपर आई बटन में उस वीडियो को लिंक डाल दूंगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग कहीं भी जाकर उस वीडियो को चेकआउट करके अपने डिवाइस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अप्लाई करने के बाद सिर्फ उन्हीं यूजर्स को सबसे पहले MIUI 12.5 की बीटा अपडेट देखने को मिलेगा, और वो जो बीटा अपडेट हमें देखने को मिलेगा, स्टेबल बीटा अपडेट, वो एंड्रॉइड 11 बेस्ड होने वाला है। अभी जो हमें MIUI 12.0 की अपडेट देखने को मिला है, वो दोस्तों हमें सिर्फ एंड्रॉइड 11 नहीं एंड्रॉइड 10 वाली अपडेट मिला है। तो MIUI 12.5 की अपडेट मिला पर एंड्रॉइड 10 वाली अपडेट मिला, और दोस्तों एंड्रॉइड 11 की जब हमें अपडेट मिलेगा, तो एंड्रॉइड 11 की अपडेट के साथ में हमें ये एंड्रॉइड 10 वाली जिस तरह की सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो खैर दोस्तों, हमारे डिवाइस में जब MIUI 12.5 की अपडेट मिलेगा, उस अपडेट के बाद से हमारे फोन में कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलने वाला, उसके ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया। अगर आप लोग मेरी वो वीडियोस को नहीं देखे तो उसका भी लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना। खैर दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हमें एक नई अपडेट MIUI 12.0.5 की अपडेट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये अपडेट हमें किसी यूजर्स को 186 MB की देखने को मिला है, और किसी यूजर्स को 481 MB की देखने को मिला है। पर दोस्तों, इसमें जो चेंजेस हमें देखने को मिला है, वो सिर्फ आप लोगों को एंड्रॉइड की जो सिक्योरिटी पैच है वो मार्च के देखने को मिल जाता है। आई गेस जो लास्ट अपडेट हमें देखने को मिला था, वो अपडेट हमें तकरीबन लास्ट या दिसंबर में देखने को मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ड्रॉप कमेंट सेक्शन में दोस्तों, ड्रॉप बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करके बताना कि लास्ट अपडेट हमें आई थिंक दिसंबर में देखने को मिला था, उसके बाद से ये हमें काफी दिनों के बाद ये अपडेट 12.0.5 की अपडेट देखने को मिला है। और दोस्तों, यहाँ पे जो चेंज लोग की बात कर लेते हैं, तो आपको वहां देखने को मिलता है ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, और न्यू सिक्योरिटी पैच। तो न्यू सिक्योरिटी पैच हमें नई इस अपडेट में देखने को मिला है, और गाइज वो अपडेट हमें मार्च की देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को OTA लिंक और फुल रोम लिंक डाल दूंगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। अगर आपके फोन में आपके सिस्टम अपडेटर में ये अपडेट देखने को नहीं मिला, तो सिंपली पहले आप अपने सिस्टम अपडेटर में जाकर अपने फोन में चेक कर लेना कि आपके फोन में अपडेट मिला है कि नहीं। अगर दोस्तों मिल गया है तो आप लोग अपने फोन में अपडेट कर सकते हैं, और अपडेट नहीं मिला है तो आप लोग इस थ्री डॉट्स पर क्लिक करके चूज अपडेट पैकेज की मदद से अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं। सिंपली आप लोग चूज करना है, और जहां भी आप लोगों ने फाइल को सेव किए होंगे, वो फाइल को लोकेट करके अपने फोन में से अपडेट कर लेना है। और अगर आपके फोन में ये अपडेट मिल गया, तो भी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपके फोन में अपडेट मिल चुका है। और अगर अपडेट नहीं भी मिला दोस्तों, तब भी आप लोग मुझे अपडेट के बारे में बताना, कमेंट में बताना कि आपके फोन में अपडेट देखने को नहीं मिला है। क्योंकि दोस्तों, Xiaomi जब भी कोई भी अपडेट रिलीज करता है, वो बैचेस में रिलीज करता है, फेसेस में रिलीज करता है। तो कुछ यूजर्स को हमें अपडेट अभी देखने को मिलेगा, कुछ यूजर्स को हफ्ते भर बाद अपडेट देखने को मिलेगा। तो खैर दोस्तों, यहाँ पर MIUI 12.0.5 की अपडेट मिला है, और MIUI 12.5 की बात कर लेते हैं। जो 12.5 के अपडेट के बाद से हमारे डिवाइस में जो इतने सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, तो उसके बारे में दोस्तों मैंने बताया बहुत पहले आप लोगों को बता दिया है कि वो अपडेट हमें अभी देखने को नहीं मिलेगा। वो अपडेट सिर्फ उन्हीं यूजर्स को मिलेगा जिन लोगों ने बीटा के लिए अप्लाई किया। अगर आप लोगों ने बीटा के लिए अप्लाई किए होंगे, तो दोस्तों वो अपडेट आप लोगों को जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप लोग मेरी वो वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, तो चेकआउट जरूर से कर लेना। उसमें मैंने बताया कि कब तक हमें MIUI 12.5 की अपडेट मिलेगा, पर यहाँ पर जो अपडेट मिला 12.0 की अपडेट मिला है, और 12.0 की इस अपडेट में जो मेजर चेंज हमें देखने को मिला दोस्तों, वो सिर्फ मार्च की सिक्योरिटी पर देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को क्या क्या नई चीजें देखने को मिला, क्योंकि मैंने तो अभी अपने फोन को अपडेट नहीं किया। मैं अभी Xiaomi.io की बीटा रोम यूज कर रहा हूं, पर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोगों ने अपने फोन को अपडेट कर लिए होंगे। और दोस्तों, अगर थीम की बात करें तो मैं यहाँ पर कौन सी थीम यूज कर रहा हूं, तो मैंने थीम के ऊपर काफी सारी डेडिकेटेड वीडियो बनाया, तो आप लोग मेरी वीडियोस को जरूर से चेकआउट कर लेना, थीम वाली वीडियो को। तो आज की वीडियो में दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि MIUI 12.0.5.0 की अपडेट हमारे Redmi K20 Pro के लिए देखने को मिल गया है। ज्यादा चेंजेस तो देखने को नहीं मिला, सिर्फ सिक्योरिटी पैच यहाँ पर हमें
लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, मार्च की सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ नई चीजें देखने को मिला है तो प्लीज यार कमेंट में जरूर बताना, ताकि और लोग जो कमेंट को पढ़ते हैं, जो लोग वीडियो को देखते हैं और कमेंट को पढ़ते हैं, तो उन लोगों को दोस्तों मालूम चल जाएगा कि इस अपडेट में हमें क्या क्या नई चीज देखने को मिला। बाकी मैं अपने फोन को अपडेट करूंगा जब मेरा 12.0.5 के अपडेट में, तब दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी एक डिटेल रिव्यू दे दूंगा, बैटरी वगैरह के बारे में बता दूंगा, इम्प्रूवमेंट के बारे में बता दूंगा, बग्स वगैरह के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। पर आप लोग मुझे कमेंट में तो ये बताना कि आप लोग कौन कौन से बग्स को फेस कर रहे थे, ताकि मैं चेक करके आप लोगों को बता दूं कि इस अपडेट में कुछ फिक्सेस हुआ या फिर नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं। इस वजह से दोस्तों कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ।